अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह उठते सारे जब मैं नीचे आई तो बच्चों को ना मैंने ऐसे ही खेलते हुए देखा, ये माशाल्लाह इतना फनी खेल रही थी तो मैंने फ़ौरन इसकी ना वीडियो बना ली। और ये तो आराम से अपनी जगह पे खेल रहा था। इसी को तो शायद बचपन कहते हैं कि बच्चा अपनी आप में लगा रहता है, जो मर्जी करता रहे। और ये बच्चों ने ना थोड़े दिन पहले ये एक सॉफ्ट टॉय लेके आए थे, आजकल ना ये मुझे इसके साथ ही ब्लैकमेल करते हैं। जब हैप्पी होते हैं ना तो मेरी तरफ इसका हैप्पी फेस करके ना तो इसको मेरी तरफ फेंक देते हैं कि हम लोग बहुत हैप्पी हैं। और जब सैड होते हैं ना तो भी कहीं पर भी खड़े होंगे ना तो उसका सैड फेस बना के ना तो या तो उसको मेरे पास रख जाएंगे या फिर उसको दूर से मेरे ऊपर फेंकेंगे कि ये देख लो जी हम लोग बहुत एंग्री हैं। तो मुझे ये ना इनका ये सॉफ्ट टॉय बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा क्यूट सा बना हुआ है। और आज हम लोग तैयारी कर रहे थे रमज़ान की, तो माशाल्लाह रमज़ान का 12वां रोज़ा चल रहा है। और यरा निहारी के लिए गोश्त मैंने निकाल के पानी में रखा हुआ था और सुबह हस्बैंड ने बोला कि मगज़ निहारी बनानी है तो उसके लिए ये मगज़ भी ले आए थे। देखने में तो थोड़े से ना क्रीपी टाइप लग रहे थे, बड़े ना अजीब से लग रहे थे देखने में, लेकिन मैंने पहले भी फ्राई मगज़ बनाया हुआ है और पहले भी मैंने एक दफ़ा निहारी बनाई थी मगज़ निहारी, और ये मेरा सेकेंड टाइम था। तो मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह ना काफ़ी ये चीज़ें पसंद है, मगज़ और कलेजी वगैरह ये सब कुछ ना उनको बहुत अच्छा लगता है, पाए वगैरह। तो मैंने फिर माशाल्लाह मैंने फिर ना यहीं आके सारा कुछ अपनी शादी के बाद ये सब कुछ इनके लिए सीखा था अपने हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था, उसके बाद मैंने ये जो मगज़ थे ना इनको मैंने बॉयल किया था, फुली बॉयल नहीं करना, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। थोड़ा सा बॉयल करके इसको निकाल के इसके ऊपर से ना ब्रीक ब्रीक इसकी एक जाली से ही होती है वो उतर जाती है आराम से। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा आपने कॉफ़ी कॉर्नर के अंदर मैंने अपना एक फ्रायर रख लिया, थोड़ी देर के लिए रमज़ान आ गया ना तो इसलिए फिर मैंने ये फ्रायर निकाल कर रखती हूँ रमज़ान की दफाई। और ये रहा मेरी मोटिवेशन के लिए मेरा एक सबसे अच्छा कप, वर्क हार्ड बिग ड्रीम, तो सॉरी ड्रीम बिग। ये मैं जब भी मेरा मोटिवेशन कम होता ना तो मैं इसमें कॉफ़ी पी लेती हूँ ये थोड़ा फ़नी था। और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा मगज़ को बॉयल किया, बस थोड़ा सा बॉयल करके मैंने निकाल लिया था। माशाल्लाह मगज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया था तो मैंने ये सारा निहारी में नहीं डाला था, मैंने दो पीस इसके निकाल के फ्रीज़ कर दिए थे बॉयल करके, और बाकी जो तीन पीस थे ना वो मैंने पका लिए थे निहारी के लिए। ये सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, तो मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि थोड़ी सी ना वीडियो शूट कर दो, मैं ना बनाने लगी हूँ निहारी तो तुम वीडियो शूट कर लो। वो ऑयल की वीडियो बनाती जा रही थी मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा वो बस कर दो ऑयल की क्या वीडियो बनाती जा रही हो, तो वो फिर आगे से हंसना शुरू कर दिया उसने। तो मैं अभी यहाँ पे अपनी निहारी का काम कर रही थी तो साथ ही मेरी बेटी ने अपना ना पास्ता बनाना शुरू कर दिया था, रेड सॉस पास्ता। सबसे पहले ना ऑयल गर्म करके मैंने इसके अंदर गोश्त डाला था, और यहाँ पे जो निहारी मसाला मिलता ना मैं वही इसके अंदर डालती हूँ, एक पैकेट में डालती हूँ, लेकिन मैं पूरा एक ही दफ़ा में नहीं डालती, मैं थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको चेक करती, जैसे मैं दो चम्मच इसके तड़के के लिए भी रख लेती हूँ। अभी भी आप देखेंगे कि मैं पूरा नहीं डालूँगी, मैंने बस थोड़ा सा डाल के बाकी मैंने रख दिया कि कहीं स्पाइस ज़्यादा ना हो जाए। साथ साथ मैं अपनी हेल्पर को चखाती जा रही थी कि देखो ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं हो गया या नमक थोड़ा कम तो नहीं है, क्योंकि रोज़े में फिर पता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैं उसको चखाती हूँ कि चलो भाई इधर आकर चखो, क्योंकि उसने फास्ट नहीं रखा हुआ था। तो इसके साथ साथ ही बेटी ने अपनी सॉस वगैरह बनाना शुरू कर दी थी और पास्ता बनाना शुरू कर दिया। मैंने उसको बोला कि तुम जब मैं किचन में आ रही होती हूँ ना तो तुमने तभी मेरे साथ किचन में आना होता है, फिर मुझे बड़ी उलझन होती है जब किचन में एक दफ़ा एकदम से ना दो तीन लोग आकर ना तो चूल्हे के आगे खड़े हो जाए तो मुझे फिर बड़ी उलझन होती है उस चीज़ से। तो और अब आप सब बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, होप सो आप सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे हों। और माशाल्लाह हमारा भी रमज़ान काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। तो बस ऐसे ही जो मेरा पुराना चैनल था वो पता नहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसके ऊपर मेरे यूट्यूब वीडियोस वगैरह आ गई, फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, और आई थिंक कोई सेटिंग वगैरह में मुझसे ही कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए फिर मैंने ये नया चैनल अपना बना लिया। तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखने हो तो आप वहाँ से जा कर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अपने दही बल्लों का काम शुरू कर दिया था, और साथ में मैंने निहारी के लिए प्याज वगैरह सब कुछ काट के रख दिया था, और मैं पूरे 50 मिनट के बाद आके मैंने अपना प्रेशर बंद कर दिया था। मैं निहारी को 50 मिनट लगाती हूँ, तो इसके बाद इसके अंदर से आराम सुकून सब गैस निकलेगी, गैस को भी निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके साथ साथ मैंने अपने दही बल्लों का काम शुरू कर दिया था, तकरीबन खत्म ही हो गया था। एक बाउल मैंने अपने लिए बनाया था और एक मैंने अपने नेबर्स के लिए बनाया था, उसके साथ उनको मैं निहारी रोटी और साथ में दही बल्ले और साथ में ये जो भी था मिर्चें वगैरह जो मैंने काटी थी ये भेजूँगी। तो योगर्ट मैंने इसलिए कम डाला था कि योगर्ट मैंने नीचे भी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो मुझे यही था कि कहीं वो ज़्यादा ही ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा योगर्ट का भी फिर मज़ा नहीं आता।
तो थोड़ी ग्रीन चटनी काफ़ी थिक थी, इसलिए मैंने फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया था कि वो थोड़ी सी लाइट हो जाए। तो मैंने दही बल्ले वगैरह जो जितना भी इसके अंदर सामान पड़ता ना वो सब कुछ मैंने घर पर बनाया हुआ था, ये ग्रीन चटनी वगैरह, और बस एक ही मीठी चटनी है वो मुझे इतनी अच्छी अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है बनाने में, तो इसलिए वो फिर मैंने मंगवा ली थी मार्केट से। चलो जी, दही भले रेडी हो गई है, मेरे ऑरेंज जूस के लिए ऑरेंज कर दिए हैं, और साथ में मैंने अपने नेबर्स के लिए ट्रे भी रेडी कर दिया उनको अफ्तारी भेजने के लिए। बस इसके बाद थोड़ी सी प्लानिंग हो रही थी बाहर जाने की, तो बेटा माशाल्लाह ऐसे ही मिलके मुझे बाहर भेजता है हग वगैरह करके, और हमने किसी दे के फिर मुझे बाहर भेजता, रोते वगैरह नहीं है। तो आज हम सोच रहे थे कि चले आज स्पा करवाने चलते हैं, आज जिम जाने को दिल नहीं चाह रहा था, बॉडी काफ़ी थकी हुई लग रही थी, दो हफ्ते से नॉन स्टॉप जा रही थी जिम, तो बॉडी काफ़ी ना टायर्ड हो गई थी। तो सोचा चले आज स्पा कराने चलते, और आपको बताती हूँ कि मैं अपना स्पा कहाँ से करवाती हूँ। कभी कभी अपनी अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इतना बिजी हो जाते हैं बच्चों में, हस्बैंड में, घर में, तो अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो लेकिन अपने आप को भी हम लोगों को ना लेडीज़ को टाइम देना चाहिए, एक दो घंटा अपने लिए निकाल लें या एक दिन अपने लिए निकाल लें, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने रूटीन वगैरह अपनी सेट कर लें तो आप निकाल सकते हैं। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिंग है, तो वो जिम जा रहे थे, जाते जाते उन लोगों ने कहा कि चलो मैं आपको स्पा पे छोड़ देता हूँ, मैं जिम करके फिर आपको वापस लेने आ जाऊँगा। तो ये मैं आपको बिल्डिंग दिखा देती हूँ कि कौन सी बिल्डिंग है जिसके अंदर मेरा स्पा है। बहुत ही अच्छा स्पा सेंटर है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, ये रहा वो बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ से अपने 12 सेशन लिए हुए थे, बस 4 सेशन बाकी रह गए मेरे, बाकी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इतना मतलब कि रिलैक्स हो जाते हैं आप लोग आके, इतना एक तो एक घंटे का मसाज होता है, तो आप लोग साथ साथ रिलैक्स करते हैं, मैं तो सो भी जाती हूँ कभी कभी तो, लेकिन आप लोग भी जब भी दुबई वगैरह आए या इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें। बच्चों के साथ तो माशाल्लाह पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। ये रहा मेरा जहाँ से मैं स्पा करवाती हूँ स्पा सेंटर, तो अभी मैं आपको इसका नाम भी दिखा देती हूँ, आप लोग गूगल वगैरह में जाके इसको सर्च करके इसकी लोकेशन निकाल सकते हैं। सोल सेंस ये इसका बहुत ही अच्छा स्पा है। आपको इसके अंदर जाते ही ये सबसे पहले वेलकम ड्रिंक देते हैं, इन्होंने हम लोगों से कॉफ़ी वगैरह और ग्रीन टी और इन्होंने हमें ऑफ़र की थी, लेकिन हमने मेरा भी कोई दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी तो रोज़ा खुला ही था ना, तो फिर मैंने इनको बोल दिया था कि नहीं अभी कोई दिल नहीं चाह रहा। तो ये रहा स्पा रूम, ये कैप पड़ी हुई थी वहाँ पे, और साथ में ये इतना अच्छा छोटा सा क्यूट सा रूम था, इतनी अच्छी इसके अंदर से खुशबू वगैरह आ रही थी। तो इसके बाद बस 45 मिनट या एक घंटे का आई थिंक स्पा था, तो उसके बाद भी बस रिलैक्स होकर मैं लेट गई हुई थी। तो फिर उसके बाद बाहर आने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये राइन का कपल रूम है, ये नीचे मैट्रेस डाले हुए हैं। इस रूम में अभी तक मैं नहीं गई हूँ, ये जो डोर बंद है मैं इस रूम में गई हुई, यहाँ पे भी इन्होंने पानी वगैरह रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं कि अगर आप लोगों को खाना है तो आप खा सकते हैं। इसके बाद यहीं से इनकी एंट्रेंस थी, बिल्कुल डोर बंद है, प्राइवेट रूम ने बिल्कुल बनाया हुआ है लेडीज़ के लिए, इसलिए ये कोई मसला नहीं था कि कोई जेंट्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम। और जब भी आप लोग स्पा करवाते हो तो ये रूम के बाहर डोंट डिस्टर्ब लिख देते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि मैं आप लोगों को किस बारे में और वीडियोज़ बना कर दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आप लोगों को मेरे पुराने व्लॉग देखने हैं तो उसके लिए भी मैं लिंक जो है अपना डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर बता दूंगी, आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देख सकते हैं। वहाँ पर निकल के हम फिर ये इटली आइसक्रीम में आए थे, इतनी अच्छी फ्रेंड्स आइसक्रीम थी कि मैंने अभी तक इससे अच्छी आइसक्रीम नहीं थी खाई है, स्टारबक्स बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम थी, उसके आगे कुछ भी नहीं थी। तो इसलिए आप इटली आइसक्रीम भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स थे, डिफरेंट फ्लेवर्स थे। चले इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।